अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, माय नेम इज सीमा, आई एम योर मैथ टीचर ऑफ क्लास मैट्रिक। बेटा आज का जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट 6 से रिलेटेड है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में यूनिट जो अगले लेक्चर दिया है बेटा उनमें से आपको 6.3, 6.4 एंड 6.5 के मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ है और उम्मीद है कि आपने देखा होगा और उससे आपने क्या में कर भी लिया होगा। आज जो हमारा लेक्चर है वो बेटा 6.6 पर है, 6.6 है और इसको हम किस तरह से कम्प्लीट करेंगे, से करेंगे राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में से इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लगाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा कि हम पहले हमें स्क्वायर की वैल्यू रखनी होती है, यानी कि जिस तरह से एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर इस तरह की वैल्यू पहले आएगी, उसके बाद एक्स वाई जेड इस तरह की वैल्यू आएगी, उसके बाद नंबर आएंगे, नंबर के बाद इक्वल टू डालकर हम जीरो लिखेंगे। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म बन जाएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्वेश्चन बनाती हूँ मैं। पहला क्वेश्चन, आपके पास दो टर्म दिए गए हैं, ठीक है, इन दोनों को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई करने का तरीका ये, इसको बेटा कि सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, इसको आप क्या करेंगे, हम हाफ कर लेंगे। सबसे पहले हाफ करेंगे तो एक्स के साथ, यानी कि एक्स के नंबर के साथ ये नंबर अटैच करेंगे और माइनस थ्री के साथ फिर दोबारा इसी नंबर को अटैच करेंगे। ठीक है, किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले मैंने x लिखा, x के साथ x माइनस फोर लिखा, फिर आपके पास जो माइनस थ्री रह गया तो वो हम यहाँ रखा हमने माइनस थ्री और फिर इसके साथ हमने x माइनस फोर रखा, इक्वल टू जीरो। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं कि x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स को फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमने एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया, अब दोबारा इसी x को बेटा x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x। इसके बाद क्या करेंगे आप, अब इस माइनस थ्री को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे और माइनस थ्री को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस, यहाँ आ गया 3 को x से दिया आपने, ये 3x आ गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया और फिर हमने क्या किया 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, ये x स्क्वायर, ये दोनों टर्म सेम है आपके पास, यानी कि x की वैल्यू है तो ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा और 4x को 3x से प्लस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 7x, ये 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि पहले स्क्वायर की वैल्यू फिर x की वैल्यू फिर नंबर फिर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के फॉर्म को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर 3 है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमें मल्टीप्लाई करना, सॉल्यूशन कर रहे हैं आप, सॉल्यूशन करने के बाद ये z स्क्वायर इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू, पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 का क्या आ जाएगा आपके पास 12z आ जाएगा, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 1 का 3, यानी कि मैंने 3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12z आ गया, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि पहले z की वैल्यू आएगी, फिर 12 की वैल्यू आएगी और फिर आपके पास 3 आएगा। तो इन दोनों को हम इक्वल के इधर शिफ्ट करेंगे, जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो हम कहते हैं साइन क्या होता है बेटा, वो चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये z स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, ये आ गया माइनस 12z आ गया। ठीक है बेटा, अब और ये जो माइनस है ये इधर हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा और इसी कट को आप 0 मेंशन कर दोगे तो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि पहले स्क्वायर की वैल्यू फिर z की वैल्यू फिर नंबर और फिर इसी कट टू 0, तो ये आपके आगे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसी तरह अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 को आप सॉल्व करेंगे तो हमें सिर्फ इन दोनों को इधर शिफ्ट करना है क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, पहले स्क्वायर की वैल्यू ये 2p स्क्वायर की वैल्यू पहले आएगी फिर उसके बाद 5p की वैल्यू आएगी उसके बाद जो है वो 2 की वैल्यू आएगी, तो हम इन दोनों को इधर शिफ्ट करेंगे, जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो साइन क्या होता है वो चेंज हो जाता है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बन जाएगा इसका 2p स्क्वायर माइनस 5p और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये सारे क्या हो गए आपके, सॉल्व हो गए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। ठीक है, अब आपका होम असाइनमेंट है बेटा, जो क्वेश्चन का रह गए वो 2, 4, 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन आपका रह गया बेटा, इसको इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको आप हमसे आगे स्कूल में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।